तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सब होंगे बढ़िया। मिस्टर होला ब्लॉग में आपको फिर से स्वागत करता हूँ। तो गाइस कैसे हो, आशा करता हूँ आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी है हम यूडी गेस्ट हाउस इंकोंग में, तो अभी हम लोग घर जाने के लिए रेडी हो रहे। अभी टाइम हो चुका है करीब 9। तो सुबह में इतना कोहरा था ना, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे अभी हम लोग जहाँ पे है ना, वहाँ में टोटली बादल ही बादल आ गया था। वीडियो तो ले नहीं सका था, फोटो लिया था एक दो, आप लोग देख लेना। और देखो भाई, इंकोंग टाउन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, देख रहे हो ना, इंकोंग टाउन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। तो रात का नज़ारा तो क्या लाजवाब होता है, टोटली लाइट ही लाइट होता है। तो अभी हम लोग जाने वाले इस वाले रास्ते से, ये देख रहे हो ना, ऐसे करके जाके निकल जाएंगे घर की ओर। तो भैया ये रहा कुक, यहाँ का बहुत फेमस कुक है। अच्छा लगा मिलके भैया। भैया आपका नाम? तो दोस्तों हम लोग टूटिंग से लेके इंकोंग तक आए थे। तो देखो भाई, बाइक का हालत टोटली खराब हो चुका है, ये देख रहे हो ना। तो अभी हम लोग करने वाले हैं चेन क्लीन। ओ यात्रम का भी देख लो यार, ये देखो भाई साहब, गेस्ट हाउस में थे ना, तो वहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। लो दादू, लो भाई। तो दोस्तों देख लो इंकोंग टाउन यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। रात को तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, टोटली लाइट ही लाइट हो जाता है इन पहाड़ों पे। भाई यहाँ से भी दिखाई देता है बर्फीला पहाड़, ये देखो, ये देख रहे हो ना पहाड़। तो इन खूबसूरत वादियों को छोड़ के अभी हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। जाने तो दिल नहीं कर रहा है, फिर भी क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। तो गेस्ट हाउस है पहाड़ का ऊपर, अभी हम लोग जा रहे हैं उस नीचे। न्यूट्रल करके छोड़ दो, बिंदास से जाते रहता है, तो न्यूट्रल करके छोड़ना भी थोड़ा सा रिस्की होता है। तो अभी जा रहे हैं मार्केट की ओर, तो मार्केट में थोड़ा सा एक भैया जी से मिलना है, उसके बाद निकल जाएंगे वहाँ से। तो इंकोंग का हायर सेकेंडरी फील होगा शायद, ये हायर सेकेंडरी स्कूल तो उधर में है। तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंकोंग का बगल में है एक झूलना ब्रिज, वो देख रहे हो ना, सही लग रहा है देख के। तो ये रहा ऑडिटोरियम, देख रहे हो ना, ये देखो भाई हायर सेकेंडरी स्कूल। तो इंकोंग का मार्केट में अभी हम लोग आ चुके हैं, चलो चल। तो चलो दोस्तों यहाँ से फिर निकलते, यात्रा में चला गया आगे, हम चला गया था कुछ काम के लिए अपना। तो इंकोंग मार्केट से अभी हम लोग निकल के जा रहे हैं। तो ये देखो इंकोंग मार्केट, तो पहाड़ों का गोद में बसने वाला इंकोंग मार्केट बहुत ही सुंदर है, और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देता है। तो अभी हम लोग को जाना पड़ेगा इस वाले रास्ते से। आने का टाइम में जितना भी सीन छूट गया था, वो सब सीन दिखाने का आप सबको कोशिश करूँगा। बहुत ही प्यारा प्यारा सीन था, रास्ते में बारिश हम लोग को मिल गया ना, इसलिए वो सब सीन उठा नहीं सका। और दोस्तों यहाँ से देखो इंकोंग टाउन टोटली दिखाई देता है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। वो देख रहे हो ना, वो वहाँ पे बर्फ़ गिर रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग था वो वाला गेस्ट हाउस। तो भाई जल्दी से निकलते, आगे जाके मिलते आप सबसे बढ़िया वाला लोकेशन पे। तो इन वादियों में चलाने के लिए ना मज़ा आ रहा है। तो ये रास्ता में भी चल रहा है कटिंग, तो ऊपर से देखो भाई ब्लास्टिंग करके रास्ता को साफ किया जा रहा है। तो यहाँ में भी रोड का थोड़ा चौड़ा बनाने का कंस्ट्रक्शन चालू है, फोकलिन कर रहा है यहाँ पे काम। इंकोंग टाउन को बाय बाय करके अभी जा रहे, विश यू ए सेफ जर्नी। ऊपर देख रहे हो ना, वो खेती है भाई खेती, ये देखो पहाड़ों का बीच में खेती, अच्छा लगता है देख के। क्या मक्खन रोड है यार। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है एक गाँव, पहाड़ों का गोद में बसा हुआ लगा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है देखिए सिमोंग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं सिमोंग विलेज में। तो सिलावतर से इंकोंग आ रहे थे, तो ये सब नज़ारा मिस कर दिया था। वो देखो ऊपर में खेती भी हो रही है भाई, क्या दबा के जा रहा है यार ये एल्टो वाला। तो मैंने बोला था ना दूर से खेती बहुत अच्छा लग रहा है बोल के। वो देखो वहाँ में संतरा के बगान, और यहाँ में चाय पत्ती भी है, तो मक्के की खेती, और ये क्या बोलते हैं पता नहीं। तो वहाँ पे देखो कितना खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है, और वहाँ पे देख रहे हो ना सियांग नदी जा रहा बह के, और छोटा छोटा घर भी है और खेत भी देखो, और इंकोंग टाउन है उस तरफ। ये रोड को देखो भाई सांप का तरह लग रहा है, ये देख रहे हो ना। तो ऐसा करके आगे अभी हम लोग ऐसा करके आ रहे हैं। चलो फिर यहाँ से निकलते, निकलने का टाइम भी हो चुका है,
तो काफ़ी दूर जाना है हम लोग को, तो अच्छा अच्छा नज़ारा जहाँ पे भी होगा ना वहाँ पे रोक के आप सबको दिखा दिखा के जाएंगे। धूप तो है अभी, जितना भी पहाड़ों का ऊपर उठते जा रहा हूँ ना इतना ठंडा ठंडा लगना चालू हो रहा है। और देखो छोटा मोटा झरना बहुत सारा मिल जाता है रास्ते में, आप सबको आराम से बैठ के पानी पी सकते हो, आप लोग थोड़ा ध्यान से पीना। तो धूप होने से भी ठंडा तो लगता है भाई पहाड़ों का ऊपर। अभी हम लोग पहाड़ के टॉप जाने वाले, तो जो एरिया में बारिश दिया था ना वो एरिया पहुंचने वाला हो, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से, करीब 6-7 किलोमीटर होगा शायद, तो हम लोग पहुंच जाएंगे पहाड़ों का टॉप। तो वो एरिया में अक्सर बारिश देता ही है, देख रहे हो ना मिरर बहुत सही से लगा है यार, अच्छा लगा ये देख के। तो खासकर ऐसा वाला टाउन में कुछ दिखाई नहीं देता ना, तो कुछ भी हो सकता है। बाप रे यहाँ में तो ठंडा है यार, बहुत ठंडा, देख रहे हो ना पानी पानी, फिर ना ऊपर टोटली लाल लाल हो रखा है फूल, पहाड़ों का फूल अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो देखो इतनी सारी तितलियाँ, देखो भाई इतनी सारी तितलियाँ यार, मज़ा आ रहा देख के। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके गोबुक विलेज में, तो विलेज रहा ये, तो यहाँ में क्रिकेट वगैरह खेलते हो गए शायद, फुटबॉल वगैरह, बहुत अच्छा विलेज है यार। भाई क्या करने आए हो? तो एक विलेज में जितना भी आवश्यकता होता है ना सामान वो सब पाए जाते हैं यार यहाँ पे। ओ देखो बच्चा, देखो यहाँ पे है बहुत ठंडा वाला माहौल, तो स्पीड लिमिट है यहाँ का 20। व्यू देखो यार, वहाँ पे खेत दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो देख रहे हो ना वहाँ पे काट रहे धान, और क्या सही से पार्ट पार्ट करके लगाया है, ये देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं शायद झूम खेती बोल के। और वहाँ पे देखो क्या सॉलिड लग रहा है, देखिए दूर से तो लाजवाब दिखाई देता है। यहाँ का रोड क्यों जल्दी से ख़राब हो जाता है बोलने से, ये देख रहे हो ना रोड के साइड में टोटली पानी भर जाता है ना, तो इसे लास्टिंग नहीं करता रोड। जब हम पासीघाट से निकल रहे थे इंकोंग, तो बहुत बारिश दे रहा था ना रास्ते में, तो ये एरिया में हो रहा था बारिश, बहुत टॉप का इलाका है ना, तो इसलिए यहाँ में अक्सर बारिश होता ही है, नमी है रास्ते में, टोटली भीजा वाला रोड देख रहे हो ना। तो आगे जाते हैं अच्छा वाला रोड मिल जाता है, तो ये यहाँ पे पानी पानी है, तो यहाँ से पानी सूख गया, तो ये सही वाला रोड है देख। तो रुकसिन है 125 किलोमीटर, ये देखो भाई नमी। तो पहाड़ों पे कब मौसम चेंज हो जाता है वो कोई भी बता नहीं सकता, वेदर रिपोर्ट हम लोग देख के आते ना वो भी कुछ काम नहीं देता है। यहाँ से क्या सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, देखो ओल्डेस्ट हैंगिंग ब्रिज, शायद अभी तो आदमी लोग नहीं जा सकते होंगे शायद। और दोस्तों ये ब्रिज को बाय बाय करके अभी हम लोग बढ़ रहे आगे, तो मारियांग है यहाँ से 7 किलोमीटर। क्या खड़ा चढ़ा है यार, जेट जेट किसी का रोड है यार। फिर ये देखो फिर टर्न, तो अभी जा रहे आसमान का ऊपर, ये देख रहे हो ना आसमान बहुत ही पास ही में दिखाई देता है। तो काफी टाइम के बाद हम लोग को दिखाई देता है एक डिपो पेट्रोल पंप। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मारियांग, तो देखो भाई हायर सेकेंडरी स्कूल भी है बगल में, और हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है यार, छोटा मोटा जितना भी आवश्यक होता है ना वो सब सब मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ से देखो भाई नज़ारा क्या सॉलिड दिखाई देता है, तो मार्केट होता है यार यहाँ पे देख रहे हो ना। मारियांग से 1.5 किलोमीटर नीचे उतरते दिखाई देता है एक मार्केट का एरिया, क्विकली मार्केट। तो भाई ये क्या है, बोरिंग करने वाला मशीन है क्या? ओ भाई साहब इतना बड़ा मशीन, और देखो भाई बोरिंग करते इससे। तो भाई ये इलाका का नाम है रॉक कटिंग, भाई बहुत ही प्यारा है जगह, थोड़ा आगे जाके बहुत ही फ्रेश फ्रेश पानी मिलता है यहाँ में, वो पानी आप पी भी सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं हूँ राने मॉर्निंग पे, तो भाई यहाँ पे देखो बहुत ब्यूटीफुल सा नज़ारा,
इतना बड़ा चट्टान है, चट्टान का बीच से पानी बह के आ रहा है, बहुत साफ पानी है, आप लोग पी भी सकते हो। तो मैं भी जाता हूँ, एक बोतल पानी वानी भरता हूँ और उसका थोड़ा सा पीता हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। यात्रा को बुला रहा था, उसने सुना नहीं, वो चला गया आगे। तो देख रहे हो ना, इतना बड़ा बड़ा चट्टान का बीच से पानी निकल के आ रहा है, बहुत साफ पानी है, बहुत फ्रेश वाटर है भाई। आप लोग भी आते हो तो इनकम जरूर रुक के यहाँ पे पानी वानी पीना। तो भाई ये एरिया का नाम है राने मॉर्निंग, तो आदमी लोग रॉक कटिंग भी बोल के जानते हैं इसको। देखो भाई टोटली रॉक ही रॉक है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर है ना यहाँ पे, काला पत्थर, ये देखो ये मस्त है यार जगह। यहाँ से देखो भाई व्यू पहाड़ों का, क्या सॉलिड दिखाई देता है। तो हम लोग आए थे वो वाला रास्ते, वो टावर दिखाई दे रहा ना, उस रास्ते से आके ऐसा करके आके तो रॉक कटिंग में अभी फिलहाल हम लोग। देखो भाई बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से। पासीघाट है 58 किलोमीटर। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पादू विलेज। तो देखो भाई विलेज बहुत ही प्यारा सा विलेज है, छोटा सा विलेज है बट प्यारा है यार, देखो बेम्बू के घर। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके बोडक व्यू पॉइंट में। तो व्यू पॉइंट रहा ये, उस टाइम जब हम जा रहे थे इंगोंग तो मैंने यहीं से मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, ये प्लेस था भाई, मज़ा आ गया था ट्रिप। तो हम लोग निकले थे वहाँ से 11:30 बजे। तो अभी कितना बज गया भाई, 3 बजने को है, 10 मिनट बाकी है। तो आप सबको कैसा लगा, क्या लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं रानागढ़ ब्रिज। तो मेरा पिछले वाला वीडियो में रानागढ़ ब्रिज का सीन थोड़ा सा छूट गया था आप सबके लिए, तो अभी जाते हैं तो थोड़ा सा दिखा देते हैं आप सबको। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं रानागढ़ ब्रिज में। तो देखो भाई बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन लग रहा है देख के। तो भाई ये फूल देख रहे हो ना, बहुत सही लग रहा है। और तो थोड़ा टाइम रुकेंगे, थोड़ा सा सनसेट का मजा लेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से।